बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अब वीडियो तो जनाब आज मैं कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन अचानक मूड तब्दील हुआ और जब वीडियो करने के लिए आता हूँ तो आस्थानाउंडिंग में जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको देखता रहता हूँ और सोचा कि जनाब मूड चेंज करते हैं और जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है उसमें अपना हिस्सा भी डाल लेते हैं। वैसे आज बाय द वे पाकिस्तान टीम अपना पहला वार्म अप मैच खेल रही है वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान टीम को अहम मुकाबला भी करना है वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन जनाब इंजरी से सेहतयाब होने के बाद इस मैच में अपनी फिटनेस के साथ अपनी फॉर्म को भी चेक करेंगे। दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में जिस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रही है वो जनाब आज हमें खेलता हुआ दिखाई देगा, या बाबर आजम जो है अब वो अपने कॉम्बिनेशन को थोड़ा खुफिया रखना चाहेंगे। उसके साथ जनाब इस वक्त जो खबर सबसे ज़्यादा गर्म है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा चौधरी जका अशरफ। उन्होंने चंद दिन पहले लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतनी रकम का इजाफा किया गया है जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जो हैं वो शानदार खेलें, बेहतरीन खेलें और उनके पास फाइनेंशियल हवाले से जो है वो कोई बर्डन ना हो। और उनके जो मुँह से ये जुमला भी निकल गया कि उन्होंने ये एक ऐसे वक्त में किया है जब टीम पाकिस्तान दुश्मन मुल्क में खेलने जा रही है। अब इस दुश्मन मुल्क के लाइन को लेकर जो है हमारे पड़ोसी मुल्क में बड़ा बवाल है और जो मीडिया है वो जनाब अंगुश्त बनंदा है, चिराग पा है अगर मैं कहूँ तो, शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और उन्होंने जनाब जका अशरफ की इस लाइन को पकड़ लिया है। मारूफ भारतीय साफी हैं विक्रांत गुप्ता, जो हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, और विक्रांत गुप्ता को पाकिस्तान में जनाब बड़ी कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। उनके क्रिकेट में तबसरे और तजियों के हवाले से जो है वो पाकिस्तान के जो साफ़ी हैं जिनको आप भारत में पत्रकार कहते हैं वो जनाब विक्रांत गुप्ता के साथ गुफ्तगू करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। और पहली बार मेरी विक्रांत गुप्ता से मुलाकात 2004 में इंग्लैंड में हुई थी ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जब इंतजाम उलग के क्यादत में टीम पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद थी। और अब इस गुफ्तगू को, इस ताल्लुक को एक लंबा अरसा हो चुका है। तो विक्रांत गुप्ता जनाब इस तमाम सूरत हाल पर एक वीडियो कर चुके हैं और उनका कहना यह है कि उन्होंने बड़े अल्फाज का बेहतर अंदाज में चुनाव किया और उन्होंने बड़ा संभल कर और बड़ा जनाब वो कहते हैं ना कि कहीं उनसे नो बॉल ना हो जाए, कहीं उनसे कोई ऐसी बॉल ना गिर जाए जो कहते हैं कि आग ना लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। क्योंकि उनकी ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से गुफ्तगू करें, वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी बात कर दें कि जिसकी वजह से कोई दीवारें जो हैं वो खड़ी हो जाएँ, वो जिस तरह अनारकली को दीवार में चुन दिया गया था। तो बहरहाल उन्होंने वो क्वेश्चन भी अपना रखा, वो साइड भी अपनी रखी और भारत में उनको रहना भी है और उन्होंने जनाब इस तमाम सूरत हाल पर अपना चर्चा भी कर दिया। मामला है क्या, चौधरी जका अशरफ को क्यों ऐसा कहना पड़ गया और क्या उन्होंने गलत कहा है, ये तो जनाब हर कोई अपने अंदाज में इसको अपने जाविये से देख रहा है। चौधरी जका अशरफ साहब ने डेफिनेटली डेलिब्रेटली यह नहीं कहा होगा, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने मेहमान नवाजी की भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबरा रॉजर बिनी की चंद दिन पहले लाहौर में, BCCI के जो सेक्रेटरी हैं राजीव शुक्ला उनकी मेज़बानी की और उनको जिस तरह जनाब तकरीब में मदऊ किया गया, उनकी जिस तरह खातिर मदारात की गई, उनको गवर्नर हाउस पंजाब में बुलाया गया, उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया वो सब देखने से ताल्लुक़ रखता था। और उसके बाद एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जो BCCI की जानिब से जुल्म ढाए गए, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मंच पर जय शाह साहब ने जिस हद तक शॉट खेल सकते थे उन्होंने वो शॉट खेले, और शायद आपको याद हो कि जका अशरफ साहब जका अशरफ कहते हैं विक्रांत गुप्ता बाय द वे, वैसे वो जका अशरफ हैं, तो वो जनाब लाहौर के मुकामी होटल में बैठे हुए थे कि अनवील करेंगे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल को, और उससे चंद मिनट पहले जय शाह साहब ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने दूध में मैंगनियाँ डाल दी अगर मैं ये कहूँ तो, शायद ये कहना गलत नहीं होगा। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया और इसकी जो गवाही है वो भारतीय क्रिकेट तजियाकार भी दे रहे हैं, साफी भी दे रहे हैं, लेकिन उनको बुरा लगा कि जका अशरफ ने जो है वो ठीक वर्ल्ड कप से पहले
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा होने की हैसियत से, एक्स चेयरमैन नहीं मैनेजमेंट कमेटी के इस वक्त रूल करते हुए सरबरा हैं, उन्होंने जनाब ये कह दिया कि दुश्मन मुल्क में जाकर हमारी टीम अच्छा खेल पेश करे। तो अब जनाब एक ऐसे मौके पर यह कहा गया कि विक्रांत गुप्ता ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम की जिस तरह आव भगत की गई है, जिस तरह पाकिस्तान टीम का हैदराबाद दक्कन में इस्तकबाल किया गया है, तारीखी इस्तकबाल था, एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, कोई आवाज़ लगा रहा था बाबर आजम, कोई कह रहा था यह है हारिस रऊफ, कोई कह रहा था यह है विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, और कोई कह रहा था अरे शाहीन आफरीदी को तो देखो कितना लंबा है। तो जनाब एक बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ज़का अशरफ ने जो बात की उस पर किसी ने सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा लिखा, उन्होंने कहा भाई इसको आप इतना संजीदा ना लें, ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक सियासी इस्तिलाह बनकर रह गई है, दुश्मन मुल्क की, दोनों पड़ोसी हैं और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बायलेटरल सीरीज हो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत जाकर खेले। और ज़का अशरफ कैसे ये बात कर सकते हैं, ज़का अशरफ ने तो जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह को जो है वो पाकिस्तान आने की दावत दी, और उस खबर को भी जो है वो ट्वीट करने की कोशिश की गई और कहा गया कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, वहाँ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े तामुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि ये बर्फ़ पिघले और क्रिकेट के रवाबित बहाल हों। यही चौधरी ज़का अशरफ थे बाय द वे 2012-13 में जिन्होंने पाकिस्तान टीम को वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए भारत भेजा था, उस वक्त ये तय हुआ था कि जनाब जो भी कमाई होगी, जो भी रेवेन्यू होगा सीरीज का वो तकसीम किया जाएगा। क्या वो तकसीम हुआ, लेकिन चौधरी ज़का अशरफ साहब कहते हैं कि उन्होंने जनाब ये नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि दोनों मुल्कों की क्रिकेट को लोग देखना चाहते हैं, दोनों मुल्कों को आपस में खेलता हुआ लोग देखना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कड़वा घूंट दिया, उन्होंने जनाब पाकिस्तान टीम को भारत भेजा T20 और वनडे सीरीज खेलने के लिए। वो अब इस पर इतना शोर क्यों है, और जहाँ तक ये बात है कि जनाब पाकिस्तान टीम का स्वागत किया गया है, पाकिस्तान टीम का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आओ भगत की गई है, तो बतौर मेज़बान तो ये करना पड़ेगा ना BCCI को, और जिस अंदाज में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की आओ भगत की जा रही है, क्योंकि मैं भारत जा चुका हूँ मुझे अच्छी तरीके से बात का अंदाज़ा है कि लोग पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को भारत में खेलता हुआ देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जनाब IPL में भी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी आएँ, बट कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ अनापरस्ती है, कुछ जनाब अपने मामलात हैं, इसलिए पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जो है वो भारत नहीं जा पाते। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी हुकूमत की बात करूँ, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ, तो कभी उन्होंने जनाब क्रिकेट और सियासत को एक नहीं किया। हमने तो उस वक्त भी टीम भेजी जब शिवसेना के जनाब शिद्दत पसंदों ने 1999 में फिरोज शाह कोटला की पिच को खोद डाला था, हमने तो उस वक्त भी टीम भेजी, हमने तो कभी भारत से खेलने से इनकार किया ही नहीं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता था, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था। नजम अजीज सिटी ने हाइब्रिड मॉडल का एक तजवीज़ पेश की, जिस अंदाज में मुल्तान और लाहौर में 4 मैच एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुनक्किद हुए, क्या साउंड सिक्योर बेहतरीन माहौल में हुए, अगर ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाता तो जनाब क्या बिगड़ जाता, ये कौन करता है ऐसे, दोस्त करता है दुश्मन करता है, मैं ये नहीं कहूँगा, फैसला आप कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि जनाब बेहतरीन अंदाज में स्वागत किया गया है, बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया गया, तो भाई पाकिस्तान आए ना जरा भारत की टीम, फिर उनको पता चलेगा कि हम कैसे उनका इस्तकबाल करते हैं, कैसे जनाब उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं। अगर बाबर आजम को देखकर भारतीय शायकीन और भारत में क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले आपे से बाहर हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो अगर विराट कोहली पाकिस्तान आएंगे, भुवनेश्वर कुमार पाकिस्तान आएंगे, मोहम्मद सिराज पाकिस्तान आएंगे, हार्दिक पांड्या पाकिस्तान आएंगे, रोहित शर्मा भारत की टीम के साथ पाकिस्तान आएंगे, कैसे हो सकता है कि हमारे लोग जो हैं जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, जो खेल को दुनिया का एक बेहतरीन जनाब दो मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक समझते हैं, खिलाड़ी तो वैसे भी अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने तो बेहतरीन और शानदार मेज़बानी की, हमने तो 2004 में भारत को होस्ट किया, 2006 में भारत को होस्ट किया, 2008 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जिस तरह हमने होस्ट किया, पाकिस्तानी मेज़बानी की तो IPL में दुनिया के मुख्तलिफ खिलाड़ी जो हैं वो दाद देते हैं, पाकिस्तान के खानों की जनाब दुनिया के खिलाड़ी जो हैं वो दाद देते हैं, तो ये तो छोड़ दीजिए आपके पाकिस्तान टीम का शानदार इस्तकबाल हुआ है, ये तो जनाब करना बनता ही था, इतने तवील अरसे के बाद पाकिस्तान टीम जा रही है भारत, तो अभी तो सिर्फ पाकिस्तान ने भारत के हैदराबाद दक्कन में कदम रखा है, बाकी शहरों में भी पाकिस्तान टीम का ऐसा ही इस्तकबाल होगा। और ज़का अशरफ साहब ने जो कहा
वो अब उसको ट्विस्ट करके उसको जनाब तोड़ मरोड़ के अगर आप पेश करेंगे वो आपकी मर्जी है। आई थिंक इसका खेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के सरबरा की ऐसे ऐसे गुफ्तगू की और इस बात की गहराई में जाने की कोई वजह बनती नहीं है। क्रिकेट वर्ल्ड कप है, आप होस्ट हैं, आपको बेहतर अंदाज में इस टूर्नामेंट को होस्ट करना है। आपने जिस तरह मेज़बानी की है हैदराबाद दक्कन में, इससे और अच्छी मेज़बानी करेंगे। दोनों मुल्कों के आवाम के दिल जो है वो क्रिकेट के लिए धड़कते हैं। दोनों मुल्कों की आवाम चाहती है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के सामने आए, खेलें, हर साल पाकिस्तान और भारत की सीरीज हो। और तभी तो जब पाकिस्तान इंग्लैंड में खेलता है, यूएई में खेलता है, ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, किसी तीसरे मुल्क में पाकिस्तान खेलता है, तो जनाब आप देखिए लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से सफ़र करके उस जगह पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है, इसमें कोई दिल पर लेने की बात नहीं है। चौधरी दक्का शफ साहब ने जो दुश्मन मुल्क कह दिया उनका मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक बात की, इस बात को बात ही समझें। और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जनाब ये सियासी इस्तेलाह है, उसको सियासी इस्तेलाह ही रहने दें और खेल में सियासत को ना लेकर आए। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप को एंजॉय करें, पाकिस्तान भारत के मैच का इंतजार करें और पाकिस्तान भारत मैच को अगर आपके पास टिकट है तो स्टेडियम जाकर देखें, अगर नहीं है तो जनाब फिर आप मैच से पहले दोनों मुल्कों के मीडिया की जनाब वो कहते हैं ना कि क्रिकेट टाकरों को लुत्फानंदोज़ हों, दोनों मुल्कों के तजियाकारों की अपनी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर गुफ्तगू सुने और मैच को एंजॉय करें अपने टेलीविजन सेट पर बैठकर। इस बात को भूल जाएं कि चौधरी जक्का अशरफ साहब ने कह दिया दुश्मन मुल्क। ये मेरा कहना था, आपकी राय का मंतजर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।